हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और एक रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी और जो कृष्णा है उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली हमें रेकमेंड किया है और ये जो हैं बहुत पुराने जो है हमारे इनसाइड रिएक्शन और पब्लिक रिएक्शन शो की फैमिली के मेंबर हैं और इन्होंने जो है वो हमारे डिफरेंट वीडियोस जो हैं उनको हर वीडियो को ये देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, और आपने जो है वो हमें रिकमेंडेशन की है वीडियो। लेकिन बात यह है कि हमने वो वाली देखी थी तमिलनाडु का, एक हमने देखा था, एक हमने न्यू जर्सी का देखा था। हम काफी सारे मंदिर ना एक्सप्लोर कर रहे थे पिछले दिनों, तो उन्होंने ये हमें भेजा, लिंक भेजा कि आप ये देखें। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि हमने कुछ और देख लिया और हम भूल गए, पता नहीं क्योंकि वो बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं तो इस वजह से जो है वो वीडियोस जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। हम कोई वीडियोस पहले देख लेते हैं, कोई वीडियोस बाद में देख लेते हैं, या तो कभी ये वीडियो जो है दिमाग से थोड़े टाइम के लिए निकल जाता है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हमारे स्पेशल जो है फैमिली मेंबर ने हमें रिकमेंड की है, कृष्णा जी ने। तो वीडियो का टाइटल है फाइंडिंग सोलेस इन फेथ इनसाइड तिरुमाला तिरुपति। नेशनल जियोग्राफिक वालों ने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को पता है कि नेशनल जियोग्राफिक की जो सिनेमेटोग्राफी होती है भाई, इनके जो फोटोग्राफर्स हैं इतने हाईली पेड इन्होंने रखे हुए होते हैं सारे, इतनी मजे की वो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं। तो अब देखते हैं वीडियो को देखते हैं। बट द थिंग इज कि हमने ये अभी तक ये वाला एक्सप्लोर नहीं किया तो हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो वीडियो को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर बाद में जो है हम अपनी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में लोग कई धर्मों को मानते हैं लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। भारत में ये हजारों सालों से कायम है, जहां एक से दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर देखने में आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के पहाड़ों की चोटी पर शान से खड़ा एक मंदिर उन हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है जहां दुनिया भर से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। यहां आते ही जैसे आप भगवान से जुड़ जाते हैं। अब नेशनल जियोग्राफिक आपको ले जा रहा है एक पैनोरामिक टूर पर, वो सब दिखाने जो मंदिर में होता है। देखिए शानदार परंपराएं और तिरुमला ब्रह्मोत्सव का जोश से भरा जश्न श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमला मंदिर में। प्रदेश राज्य में मौजूद तिरुपति पहली नजर में मॉडर्न इंडिया की किसी भी अर्बन सिटी की तरह चहल पहल से भरा दिखता है, लेकिन ये जाना जाता है सदियों पुराने आध्यात्मिक स्वर्ग के द्वार के तौर पर। तिरुपति वो जगह है जहां से शुरू होती है चढ़ाई शेषाचलम या सेवन हिल्स के पहाड़ों की। 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले ये पहाड़ 50 करोड़ साल पुराने हैं। बादल कितने करीब लग रहे हैं पहाड़ों। इन खूबसूरत पहाड़ों से गुजरकर सफर पहुंचता है टेंपल टाउन तिरुमला में। दुनिया भर में बसे 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं में से ज्यादातर के लिए ये टेंपल टाउन बहुत मायने रखता है। समुद्र तल से करीब 2500 फीट ऊंचाई पर मौजूद तिरुमला धरती के उन हिंदू तीर्थों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। यहां रोजाना औसतन 60 से 70 हजार लोग आते हैं, खास मौकों पर तो लोगों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। सबकी एक ही इच्छा होती है उस मंदिर में जाना जो समर्पित है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को। 15वीं सदी के कवि और संत अन्नामाचार्य की रचनाएं भगवान को ही समर्पित हैं। लेकिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी की गाथा तो और भी प्राचीन है। त्रिदेवों के माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमें उन हिंदू ग्रंथों के प्राचीन पन्नों पर नजर डालनी होगी जिनका नाम है पुराण। विष्णु सृष्टि के पालनहार, फिर हैं ब्रह्मा सृजनहार और शिव
सृष्टि के संहारकर्ता। तिरुमला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के चार मुख्य पुजारियों में से एक भगवान के महत्व के बारे में बताते हैं। विष्णु एक नाम नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं में ही सुप्रीम एनर्जी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड और उसके पार भी मौजूद हैं। त्रिदेव में एक ही एनर्जी के तीन स्वरूप हैं। ये है सृजनकर्ता, पालक और तीसरा है पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, बीते युगों में विष्णु कई बार धरती पर आए थे, मनुष्य और पशु दोनों के रूप में। इसका कई तरह से उल्लेख मिलता है, लेकिन कहानी जो भी हो, सब में ये बात जरूर सामने आती है, आखिरकार विष्णु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतरित हुए और सबके कल्याण के लिए तिरुमला में ही बस गए। ये ही वो भगवान हैं जो यहाँ गर्भगृह में विराजे हुए हैं, जिनके दर्शनों के लिए रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। तिरुमला मंदिर द्रविड़ियन आर्किटेक्चर की उस शैली की एक शानदार मिसाल है जो 7वीं सदी की है। इस आर्किटेक्चर में खास होते हैं विशाल पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहते हैं गोपुरम, और पिलर्ड हॉल्स, जिन्हें कहते हैं मंडपम। गोपुरम और पिलर्ड वॉल्स पर खास तरह की इंस्क्रिप्शंस और हाथ से तराशी मूर्तियां दिखती हैं, जो अलग अलग डायनेस्टीज की कहानियां कहती हैं। तिरुमला ने 9th सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी से लेकर 11th सेंचुरी में तंजौर की चोल डायनेस्टी देखी। 14th और 15th सेंचुरी में ये टेंपल टाउन विजयनगर डायनेस्टी के प्रभाव में रहा। 1800 से 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर तक ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ से टैक्स वसूला था। आखिरकार 1933 में एक स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुआ और मंदिर और उससे जुड़ी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। नाम दिया गया तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD। मुख्य मंदिर करीब 2.2 एकर्स में फैला है। इसकी लेंथ है 415 फीट और विड्थ 263 फीट। श्रद्धालु महाद्वारम से अंदर आते हैं, जो है 50 फीट ऊंचा बाहरी गोपुरम। यहाँ वो एक खुले कोर्टयार्ड में दाखिल होते हैं, जहाँ लगा है एक चमकता फ्लैग स्टाफ, जिसका नाम है ध्वज स्तंभम। अंदर जाते हुए बाईं तरफ है रंगनायक मंडपम और दाईं तरफ आईना महल, यानी आईनों का हॉल, जो अंतहीन इमेजेस झलकाता है। श्रद्धालु वेंडी वाकिली से गुजरते हैं, जो मुख्य गर्भगृह का सिल्वर एंट्रेंस है। इसके बाद उनके सामने होता है बंगारू वाकिली या गोल्डन एंट्रेंस। बंगारू वाकिली के अंदर ही वो सीमा है जिसके आगे ज्यादातर श्रद्धालु नहीं जा सकते। यहाँ एक के बाद एक कई अंधेरे मंडपों के बाद दिखता है भीतरी गर्भगृह। वहाँ तक जाते हर चैम्बर की चौड़ाई कम होती जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि चौड़ाई का ये घटते जाना आत्मा के परमात्मा की कोख तक के सफर का प्रतीक है। शायद इसीलिए सबसे अंदर के उस स्थान को संस्कृत में गर्भगृह या वूम लाइक चेम्बर कहते हैं, जहाँ भगवान निवास करते हैं। भगवान को सभी प्राकृतिक तत्वों जैसे हवा, धूप, बारिश और तूफान से सुरक्षित रखना होता है, ताकि अंदर सुप्रीम एनर्जी बनी रहे और गर्भगृह, जो कि उनका अपना निवास स्थान है, इसलिए केवल विशेष पुजारी ही वहां प्रवेश कर सकते हैं और बाकी श्रद्धालुओं को उस सीमा से बाहर रहना होता है। श्रद्धालुओं को बंगारू वाकिली के अंदर अपनी नजरों की सीध में ध्यान लगाए रखना होता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वहां से हटने से पहले उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए दर्शन मिल जाते हैं। जी,
जो सारा उन्होंने कवर किया है, जो पहला जो था ना बड़ा, जो बड़ा उनका गेट था वहां से जो एंटर हुए, फिर वहां से और फिर वो कम 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 बिल्कुल, यानी कि वो भी कम होना, उसकी विड्थ भी कम होना शुरू हो गई थी, और जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है सारा, मतलब कि एक एक जो है स्टेप जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे कि मतलब कि यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, और उसके अलावा जो है वो पूरा उन्होंने ये भी उसका एकड़ साइज भी बताया कि 2.2 एकड़ में काफी, वो जो है काफी बड़ा है यार, काफी बड़ा है, और डेली वो बता रहे थे कि तकरीबन 70-80 हज़ार लोग डेली जो है वो वहाँ पे नहीं, डेली तो नहीं, डेली कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में, लेकिन इतनी नजर तो वैसे बहुत आ रहे थे, बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे थे, ट्रस्ट मी। और अच्छा ये भी इन्होंने बताया कि थोड़ी ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है, तो यानी कि वो फिर बादल भी नजर आते होंगे और बड़ा, और फिर उन्होंने उसका जो है वो पहले हिस्ट्री बताई कि पहले वो किसके जो अंडर थे, फिर ब्रिटिश के भी अंदर आए, फिर अगली जो हिस्ट्री, मतलब कि सारी, मतलब जो जो ये वीडियो है ना इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है। ये ना बहुत बहुत पुराना मंदिर है, और ये शुरू से किस तरह से, जब आई थिंक 7th सेंचुरी इन्होंने बोला था कि जब पिरामिड वाला स्ट्रक्चर्स बनते थे ना, कि अभी आप देखेंगे ना इसका जो जो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा वो भी थोड़ा पिरामिड स्टाइल में है, तो वहां से वो शुरू हुआ, और बड़ी ना वो जो तराशे हुए थे जो उन्होंने, वो बड़े बड़े उन्होंने नफासत से तराशे हुए थे, हैंडमेड। तो ये मैं जब भी देखती हूँ ना किसी भी मंदिर में, ये बहुत ज्यादा बहुत मेहनत का काम होता है कि आप एक एक जो है आप उसको इतने बारीकी से इतनी अच्छी तरीके से तराशो। तो और ये वो भी तो बता रहे थे ना कि जो लोग वहां पे जाते हैं उनको एक एनर्जी फील होती है, उनको एक यू नो उनको बड़ा फील होता है कि वो हिंदुइज्म से बड़े क्लोज हैं, और लोग जो है वो देखें कहां कहां से, किस किस स्टेट से जो है वो स्टेट्स, आप स्टेट की बात करें, जो डिफरेंट जगह से लोग इकट्ठे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी हिंदूज हैं वो, यानी कि कहने कि मोस्टली इधर आते हैं, इधर ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू, यानी कि बाकी जगह भी जाते होंगे, बाकी जगह भी जाते होंगे। मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा था, मुझे तमिलनाडु का हमने देखा था ना मंदिर, ओ भाई वो भी बहुत प्यारा था, उसका भी थोड़ा ना पिरामिड करके स्ट्रक्चर था, वो बहुत प्यारा है, और ये वाला जो मंदिर अभी हमने देखा है ये बहुत प्यारा है, ये दो मंदिर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ ये आई थिंक मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल वहाँ पे ही है, और जो लास्ट हमने देखा था वो तमिलनाडु में था, और जो ये टेंपल है इस टेंपल में बहुत ज्यादा जो है ना रिक्वेस्ट आ रही थी कृष्णा की कि ये जरूर देखें, तो हमने ये देखा है, और इस तरह अगर कोई मजे की वीडियो, मजे की अच्छी वीडियो थी वीडियो है। और इस तरह के अगर कोई हमारी इंसान डायरेक्शन की फैमिली जो है ना वो और भी हमें जो है लिंक्स वगैरह। अच्छा अब हम ना बाकी, अभी तो हमने देखे दो स्टेट्स के मंदिर देखे, तमिलनाडु का देखा है, आंध्र प्रदेश का देखा है, अभी हम महाराष्ट्र का भी देखेंगे, अभी हम बाकी सारे भी कवर करेंगे, पंजाब का भी देखेंगे, उसमें बल्कि हम ना गुरुद्वारे भी देखेंगे, डिफरेंट जो है और सारा वीडियो, बहुत सारा कंटेंट लाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स भी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी जो रिकमेंडेशन अभी आ रही है और बहुत सारी अभी जवेरिया पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी काफी ज्यादा अभी बहुत सारा वो हमारे पास, और एक और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है खान सर के बारे में, लोग कहते हैं कि खान सर के बारे में, हाँ तो खान सर की भी जो है हम वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन हम साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत सारी वीडियोस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बन सकती है, तो वो जब हम वीडियो डालते हैं ना तो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, हाँ। आपने उनकी वीडियो देख ली है, हमारी रिकमेंडेड वीडियो नहीं देखी, बहुत सारे नीचे वो गुस्सा भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पता है क्या, वो बार बार एक तो हाँ एक संतोष एक है, उन्होंने एक वीडियो बहुत ज्यादा रेकमेंड की है, वो आप बता रहे थे ना गूगल के जो हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, तो वो बायोग्राफी के स्टडीज इस तरह की बहुत सारी वीडियोस तो जो हैं, उन्होंने बोला था कि उनकी केस स्टडी की है विवेक बिंद्रा ने, वो भी हमें देखनी है, लेकिन जवेरिया हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो हमारी जो फैमिली है ना, मुझे जो है ना वो तो हम कोई वीडियो ना कर पाए ना तो वो जो गुस्सा हो जाते हैं ना, तो उसके लिए हम जो आहिस्ता जो हम बहुत सारा कंटेंट कवर अप कर लेंगे, बहुत सारी वीडियोस अभी पेंडिंग है, तो आप लोगों को इनसाइड डायरेक्शन के साथ जुड़े रहना है और बेल आइकन को दबा लेना है, आहिस्ता आहिस्ता सबकी रिकमेंडेशन करें, लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो का जो ये नेशनल ज्योग्राफिक पे है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके एक्चुअल वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई अगर किसी ने एक्सप्लेन करना होता है ना तो वो नेशनल ज्योग्राफिक सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।